आज का हमारा टॉपिक जो है ये भी टॉपिक आपका जो है सिंधु सभ्यता से क्या है जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम लोग आसान भाषा में समझे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है नाम है, दूसरा नाम क्या है आपका जो है सप्त सिंधु, ठीक है ना। अब हम लोग इतिहास में बहुत सारा चीज जान चुके हैं कि वहां पर कौन कौन सा चीज की प्राप्ति हुई थी और कैसे कैसे जगह पर हुई थी, लेकिन मैं आपको एक चीज और लिखा हुआ था कि जो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वहां पर सिर्फ चांदी खोज हुआ था, सोने खोज नहीं हुआ था, मैंने इसे लिखा था। लेकिन देखिएगा इसी बुक में मैंने इस पॉइंट पर दे रखा है कि उस जमाने के लोग जो थे ना वो आभूषण पहनते थे। क्या पहनते थे? स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, और वह जो आभूषण जो है ना सोने और चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत और शंख आदि के आभूषण तैयार किए जाते हैं। देखिए आप एक वर्ड लिखा है सोने और चांदी, तो जो जिस बात का जिक्र किया गया है कि सिर्फ जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको जो अगर हम लोग बात करें धातु में चांदी ज्ञात था सोना ज्ञात नहीं था, तो फिर ये जो आभूषण पहने हुए हैं वो सोने कैसे हो सकते हैं, ये आपका आपका शोध का विषय है। इस पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा फिर क्यों हो गया, ठीक है ना। तो ये फिर शोधकर्ता जब हमें बताएंगे तो फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम लोग कुछ विशेष चीज के बारे में बात करते हैं जिस मकसद से हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। लिखा है कि सिंधु सभ्यता में जो मृद भांड थे, मृद भांड का मतलब कि मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, इसको मृद भांड कहा जाता है। मृद मतलब होता है मिट्टी, भांड मतलब होता है क्या, बर्तन। तो वहां का मुख्य रूप से उसके जो रंग होते थे ना, क्या रंग, वह दो प्रकार के होते थे, या तो लाल या नहीं तो गुलाबी, या कई जगह धूसर मिट्टी का भी जिक्र किया गया है, ठीक है ना। और कुछ मृद भांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्रित किया गया था। और दूसरी बड़ी बात है, देखिए चित्र हम लोग बनाते हैं आजकल, बहुत सारे प्रिंटिंग होता है, तो दिन पर दिन देखिए चित्र बदलते जा रहे हैं। पहले के चित्र जो आते थे तो प्राकृतिक होते थे, कुछ दिन के बाद से चित्र जो होते थे भगवान के होते थे, आजकल के जो चित्र आते थे वो लड़कियों के होते थे, अब जो चित्र आ रहे हैं लड़के के होते हैं लेकिन उस पर उसके जो शरीर के जो कपड़े होते हैं बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे मानसिकता को दिखाता है। मतलब कि जैसे हमारी मानसिकता रहेगा हम वैसा ही चीज क्या करेंगे, दिखना चाहेंगे, और उसी चीज को सजावट रूप में प्रयोग करते हैं। जिस जमाने में जो चीज ज्यादा प्रचलन में है हम कह सकते हैं कि हम उसका यूज करते हैं। ठीक वैसे ही देखिएगा जो सप्त सिंधु सभ्यता था यानी कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता था, उसमें जो है जो बर्तन जो होते थे, कुछ बर्तन, सभी बर्तन नहीं, कुछ बर्तन होते थे वह आप पर उस पर जो है मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का क्या था, अंकन था। हम आपको कर फिर से बता देते हैं कि देखिए कितना अच्छा है। तो उसके जो बर्तन होते थे ना, उस बर्तन पर जो चित्रकारी किया जाता था, डिजाइन बनाए जाते थे, उस पर जो है क्या होते थे, मोर होते थे, हिरण थे, कछुआ था, मछली थी, गाय था, बकरा था, आपका जो है पीपल, नीम, खजूर, केला इत्यादि होते थे। मतलब कि उस जमाने में लेटेस्ट थे, क्या थे, काफी लेटेस्ट थे, और उनका काफी मार्केट भी हुआ करता है। आगे बात समझ में, आगे इसमें और लिखा है कि मृद भांडो में मर्तबान, मर्तबान नहीं होता जो शीशे का होता है, पहले चीनी मिट्टी के बनते थे, तो मर्तबान, कटोरे, तस्तारियां मतलब कि छिपियां, तस्तरी किया जाता है, एवं थालियां प्रमुख थी, मतलब उस जमाने के लोग जो है थाली में खाने का काम भी करते थे। सबसे बड़ी बात, स्त्री और पुरुष दोनों उस समय आभूषण पहनते थे। सर अभी पहनते कि नहीं पहनते, बिल्कुल पहनते। देखिए जब हम लोग नया नया शादी होता है तो ससुराल से दो चीज बिल्कुल कॉमन मिलता है, एक जो है अंगूठी, ये मेरा लोहे अंगूठी है, और दूसरा क्या मिलता है आपका जो चैन सोने का। अब लोग तो हम भी कह सकते हैं कि हम भी इस जमाने में जो आभूषण पहन रहे हैं वो सोने के पहन रहे हैं, यानी कि आज के जमाने में भी जो पुरुष हैं या स्त्रियां हैं वो आभूषण पहनते हैं। लेकिन बात यह है कि स्त्रियां जो होती है वो ज्यादा जो है आपके क्या करती हैं, आभूषण पहनने का काम करते हैं, और पुरुष जो है उसके अनुपात में बिल्कुल क्या होते हैं, कम का करते हैं, आभूषण पहनते हैं। लेकिन तब ये बात है कि जो आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता था तभी पुरुष और महिलाएं आपके आभूषण पहना करते थे, और आज के डेट में अगर मॉडर्न लाइफ 2024 में हम लोग जी रहे हैं, इस जमाने में भी हम लोग क्या करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों का कर रहे हैं, आभूषण को पहन रहे हैं, ठीक है ना। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो सब सिंधु जो सभ्यता था यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें जो जिन देवी की देवताओं की पूजा की जाती थी उसमें मात्र देवी यानी कि
आपके जो है स्त्री प्रधान देश था कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिएगा मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और हड़प्पा में एक ऐसी स्त्री का मूर्ति मिला हुआ है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलते दिखाया गया, तो ऐसे माना गया है कि स्त्री को जो है धरती माता माना गया। और धरती माता जो होती है उपजाऊ की देवी होती है, तो कहीं ना कहीं इनके इनको भी क्या किया जाता है, लोग पूजने के काम करते हैं। तो लिखा है जिसे लोग उर्वरता के देवी भी समझते थे तथा उनकी जो है पूजा अर्चना भी का किया जाता था किया जाता। तो हम यहाँ पर दो तीन चीज समझ चुके हैं ऑलरेडी कि उस जमाने में जो बर्तन जो हुआ करते थे मिट्टी के तो होते थे, लेकिन लाल और आपके जो है गुलाबी रंग के हुआ करते थे। ओके, और कुछ बर्तन ऐसे होते थे जो कि आपके जो है क्या बोलते हैं और उस पर चित्रकारी किए रहते थे, ठीक है ना। और पुरुष और महिलाएं जो है वो क्या करती आभूषण पहनने का काम करती थी, वो भी किसका, सोने और चांदी का। तो एक जगह बुक में लिखा हुआ है, फिर रिवीजन कर देते हैं कि सिर्फ चांदी जानते थे, जब चांदी जानते थे तो फिर सोना कैसे ग्रहण कर ली। इसका मतलब कि इतिहासकारों के अंदर में कुछ बात का थी जानकारी नहीं थी। अब क्या नहीं था उसके बारे में हम लोग ये शोध की विषय है। देखिएगा यहाँ पर एक चीज और बताने की कोशिश किया गया है कि वहां के जो देवी जो थी वो मातृ देवी मात्र आपका जो है उर्वरता की जो देवी बताई गई है वो धरती माँ को समझा गया है और उनका पूजा भी करते थे। और देखिएगा जिस तरह से मिस्र के लोग जो है नील देवी की देवी जो नील नदी है उनकी देवी का नाम क्या था, आइसिस। क्या नाम?